ये देखें, इन्होंने बाजरा गिराना शुरू कर दिया। ये देखें, कुल तबाही मचा रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में आया हूँ व्लॉगिंग पे। उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी लेकिन सारी ज़ाया गई थी क्योंकि ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज उम्मीद है कि सही होगा ऑडियो। उसके अलावा यार, हम ना बहुत कुछ लेके आए थे ईद पर, ईद के मौके पर हम बहुत कुछ लेके आए थे यहाँ के लिए। बहुत कुछ नहीं, वैसे दो चीज़ नहीं लेके आए थे। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये तो एक हमारा मुर्गा है और मुर्गा बहुत ही लड़ाका है। ये देखें, ये अभी लड़ नहीं रहा यार, मुझे कल इसने बड़ा मारा। खैर यार, ये दो बच्चे हैं हमारी, ठीक हो गया। और अभी भी ये इनसे, ये वाला मेल है और पीछे वाली फीमेल है, और मेल हाँ की फारिग हो चुका है। तो ये हमारी मुर्गी है, बाकी हमारे चूजे काफ़ी बड़े हो गए पहले से, आपने देखा होगा पिछले भी व्लॉग्स में। और यहाँ पर एक हमारे कबूतर ने अंडे दिए हुए थे यार, मुर्गे का बहुत शोर है। तो माशाल्लाह इसका बच्चा जो निकला था काफ़ी बड़ा हो गया है। सीन कुछ ये है कि काफ़ी हद तक ना मैंने छोड़ रहा था, तकरीबन वीडियो बना ही नहीं रहा था मैं। तो बस आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो सफाई करते हैं हम जल्दी जल्दी से, यहाँ की सारी सफाई करके। देखें कबूतर माशाल्लाह बाहर आ रहे हैं मेरे, काफ़ी सारी रोटी है, ये हम इनको फ़ौरन से डालते हैं, ये बहुत शौक से खाएंगे। बाकी यार मुझे बताइएगा, हमारी मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं दे रही हैं? ये बेबी गया उसका, क्या कर रहा है यार, इस धूप सेक रहा है क्या? तो यार माशाल्लाह कबूतर बिल्कुल ठीक है। ये बीच वाला जो है, ये बेबी है इनका, ये इनके मम्मा पापा हैं, और जो सबसे छोटा अभी है ना बच्चा, वो है अभी इसके अंदर। कबूतर ये ना मारे आज ये रहा। और अब हमने करनी है सफाई, तो सफाई का काम करते हैं हम स्टार्ट। तो ना बिफोर सफाई से दिखा देता हूँ कि क्या हाल है इसका। देखें क्या गंदा क्या हुआ इन्होंने, और ये देखें बहुत गंदा हुआ है, हालत नहीं दिखाने वाली। तो सारा हम ये साफ़ करता हूँ, साफ़ करके अच्छे से फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा तंग करते हैं हमें ये मुर्गे, इनको हमने पहले बंद कर दिया और इस पिंजरे की सफाई सही से नहीं करी, इंशाल्लाह कल करेंगे। यार मैं बाहर चले गया था किसी काम से, तो मैं बंद करके गया था इनको, मैं बंद करके गया था क्योंकि ना यहाँ पे बिल्ली का खतरा होता है, तो इन्हें दोबारा खोलते हैं। यार बतख को ना मैंने खुद डाला है इसमें ताकि ये जरा नहा ले, क्योंकि खुद जा नहीं पाती, मुझे डालना पड़ता है इसे रोज़। तकरीबन ना हमें हो चुका है 1.5 घंटे से ऊपर, या तकरीबन 1.5 घंटा, और सफाई सारी की सारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपका रिजल्ट। ये देखिए सारा मैंने साफ कर दिया है अंदर का, बस यही वाला हिस्सा रह गया तोतों का और हमारे मुर्गियों का ये वाला हिस्सा। यार मैं मुर्गियों को रखता हूँ बतखों के साथ, लेकिन उन्होंने ना बतखों के निकाल दिए थे पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर रहे थे, मैंने फिर मुर्गियों का कर दिया अलहदा, और अलहदा करके फिर मैंने क्या, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ अलहदा करके फिर मैंने आज ना इनको इसमें रख दिया। इसके अंदर पहले छोटे वाले चूजे थे, तो आज से ये इसमें रहेंगे कुछ दिनों के लिए हम, क्योंकि न्यू केज बनाने जा रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में, वीक के अंदर प्यारा सा पहले मुर्गियों का केज बनाएंगे, फिर एक बड़ा केज बनाएंगे जिसमें इन सबको रखेंगे एक साथ। तो यार इन सबको बंद करते हैं जल्दी जल्दी से, और हम देते हैं पानी अपने तोते को। तो यार ये वाला जो है ना, ये असील का पट्ठा जो है, पट्ठा कहते हैं मेरे ख्याल, पट्ठा ही कहते हैं। तो ये मैंने 450 रुपये का लिया था, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। तो यार आप ना मुझे बताएं कि मैं इनको क्या नाम रखूँ। हमारे पास अब एक पेयर है बतखों का, एक हमारे पास असील पट्ठा है, उसके अलावा कुछ फार्मी चूजे हैं, एक हमारे पास इनका देसी मुर्गों का पेयर है, एक और एक नहीं, हमारे पास 4 कबूतर हैं। तो यार मुझे ये बताएं हम इनका क्या नाम रखें, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल